काले और सफेद धब्बों वाला खूबसूरत जीव पांडा। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। भालू की तरह दिखने वाला यह जीव बहुत ही क्यूट होता है। इंटरनेट पर इनके वीडियो को लोग बहुत ही मजे के साथ देखते हैं। इन पर कुंग फू पांडा नाम की फिल्म भी बन चुकी है, जो बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आती है। पांडा बांस खाने वाले जीव हैं, जो चीन में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पांडा सिर्फ चीन में पाए नहीं जाते, बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई पांडा है तो उस पर चीन का ही अधिकार है। पूरी दुनिया में कहीं भी दिखने वाला पांडा चीन से ही आया है और कभी न कभी उसे वापसी करनी होती है। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। 2014 में हुई पांडा की गिनती में पता चला कि पूरी दुनिया में इनकी संख्या लगभग 1900 है। इनमें से लगभग 400 पांडा ऐसे हैं जो चिड़ियाघर, सेंचुरी और ब्रीडिंग सेंटर में इंसानों की निगरानी में हैं। लगभग 50 पांडा ऐसे हैं जो चीन के बाहर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई पांडा किसी दूसरे देश में पैदा होता है तो भी उन पर चीन का ही स्वामित्व होगा। लेकिन आखिर ये सब होता कैसे है? दरअसल चीन पांडा को अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करता है, जिसे पांडा डिप्लोमेसी कहते हैं। दुनिया में जिस देश के चिड़ियाघर में पांडा होते हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग घूमने और पांडा देखने जाते हैं। इससे उस देश में पर्यटन और रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन पांडा क्योंकि सिर्फ चीन में होते हैं, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही इसे दे सकती है। चीन किसी देश को पांडा सिर्फ लोन पर देता है। पांडा देकर चीन दिखाता है कि उसके संबंध किसके साथ अच्छे हैं। वही पांडा वापस लेकर वह अपनी नाराजगी भी दिखाता है।